हम लोग जो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदूषण के विरोध में जो अभियान 2004-05 से चला रहे थे, दामोदर बचाओ आंदोलन का बैनर उसमें था, संयोजक हैं प्रवीण जी, स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान था, तपेश्वर केसरी जी उसके मौके प्रतिनिधि यहाँ हैं। तो ये गतिविधियाँ चली थी और 2019 के पहले या 2019 तक हम लोगों के प्रयास से दामोदर नदी में काफ़ी पानी साफ हो गया था। वहाँ के प्रेस के लोग भी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ये कहा कि भाई ये पानी साफ हो गया है। और जो कोविड हुआ, कोविड में ऐसे ही वातावरण साफ था, तो 2 साल हम लोग कोविड में कोई अभियान नहीं कर पाए थे, 2020 में 2021 में। साल में एक बार अभियान हम लोग करते हैं और गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करीब करीब 31 स्थानों पर दामोदर के नदी के किनारे, दामोदर के उद्गम स्थल से, और पंचेत डैम है लास्ट पॉइंट हम लोगों का धनबाद जिला में, वहाँ हम लोग एक ही दिन में गंगा दशहरा के दिन आयोजन करते हैं दामोदर महोत्सव का। हमारे सलगी से लोग आए हैं, सलगी पंचायत में दामोदर का उद्गम स्थल है चूल्हा पानी में। पहले वहाँ बीहड़ रास्ता था जाने का, हम लोगों के प्रयास से रास्ता ठीक हो गया है। 9 जून को हम लोग इस बार वहाँ गंगा दशहरा का आयोजन कर रहे हैं और उसी अवसर पर दामोदर महोत्सव का आयोजन होगा। तो हम लोग आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे भाजपा कि उसमें आप इस साल भाग लीजिए, पहले भी कुछ वर्षों में वो गए हैं यहाँ से। तो ये जब 9 को गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव कर रहे हैं, तो हम लोग ने अभी तय किया कि उसके पहले 5 जून से 9 जून तक एक दामोदर पर हम लोग अभियान करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन हम लोग धनबाद जिला से आरंभ करेंगे। धनबाद जिला के लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ, फिर हम लोग 6 और 7 दो दिन बोकारो जिला में रहेंगे और 8 तारीख को बोकारो रामगढ़ करेंगे अभियान और 9 को चूल्हा पानी पर हम लोग जाएंगे। उसके पहले 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है, तो 22 मई को तो जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो हम लोग उस दिन से 4 दिन का अभियान करेंगे स्वर्णरेखा नदी पर, 22 मई से 25 तक। हम स्वर्णरेखा को हमने कई 5 भाग में बांटा है। जो ऊपरी स्वर्णरेखा है, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल नगड़ी है, नगड़ी से लेके मूरी तक को हम लोग 2 भाग में बांट के एक साथ करेंगे। 22 को नगड़ी से लेके धुरवा डैम तक का हिस्सा का हम लोग कवर करेंगे। हाँ, 22 मई को नगड़ी से आरंभ करेंगे, धुरवा तक। मुख्यतः नई समस्या हो गई है, 5-6 वहाँ चावल मिलें बन गई हैं, स्वर्णरेखा के किनारे बन गए हैं, उनका गंदा पानी किसी न किसी रूप में स्वर्णरेखा में आता है और उसी पानी का उपयोग पीने के लिए धुरवा डैम से भी होता है। तो एक धुरवा डैम तक का हम लोगों ने नगड़ी से एक हम लोगों ने हिस्सा बनाया है, ये 22 तारीख को करेंगे। 23 को हम लोग रांची शहर का जितना गंदा पानी केतारी बगान से लेके और टाटी सिलवे तक गिरता है, उसका सघन मुआयना करके हम लोग उस दिन मूरी भी देखेंगे, मूरी में प्रदूषण होता है। मूरी के बाद चांडिल डैम तक कोई प्रदूषण नहीं है, नदी साफ है। फिर उसके बाद जमशेदपुर, घाटशिला, मुसाबनी के इलाके में हम लोग एक दिन का करेंगे अभियान। और जमशेदपुर शहर में जितने भी नाले गिरते हैं, 1 दर्जन नाले हैं, उन सभी का सघन हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे, उसका हम लोग सघन मुआयना करेंगे। तो इस तरह से 22 से लेकर 24 तक स्वर्णरेखा का, 22 मई से 24 मई तक स्वर्णरेखा का, और 5 जून से 9 जून तक का दामोदर का अभियान हम लोगों का चलेगा। सभी जिलों में हम लोगों ने इसकी तैयारी के लिए आज अलग अलग दिन बैठक करने का भी रख लिया है, सभी के लोग आए हैं, सभी साथी लोग।
तो ये अभियान है, इसमें हम लोगों का प्रयास यही रहता है। हम लोगों ने हमेशा से ही कहा है कि हम लोग नदी को साफ कर देंगे, हम कर देंगे या सरकार कर देगी या समाज कर देगा। नदी को साफ करने की बात करना एक धृष्टता है। नदी की सफाई हमारे बस में नहीं है, क्योंकि नदी हर साल मानसून के समय में अपने आप को साफ कर लेती है। साफ उसके बाद के 8 महीने में हम लोग नदी को गंदा करते हैं। तो हम नदी को गंदा करना बंद कर दें तो नदी सालों भर साफ रहेगी। यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है। तो जो नदी को गंदा करते हैं लोग, जो भी संस्थाएं करती हैं, फैक्ट्री करता है, नगर निगम करता है, हम लोग उसके साथ मिलते हैं, बैठक करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हम लोग मांगते हैं कि साहब, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनको कंसेंट टू ऑपरेट दिया है तो क्या शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों का ये पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नगर निगम है, सरकारें हर साल नदियों को साफ करने की बात करती है, मगर इनके नगर निगम के इलाके, नगर पालिका के इलाके सबसे अधिक गंदा करते हैं नदी। तो सरकार या नगर निगम मिलकर कौन सा ऐसा कार्यक्रम करेगा कि उसका गंदा पानी नहीं जाए, नदी को गंदा ना करें। CCL, BCCL, BBC सबकी कॉलोनियाँ हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। हम लोगों के प्रयास से CCL, BCCL की कोलवासरी में और कुछ हद तक 60% तक ये बोकारो स्टील लिमिटेड ने अपने पानी को, अब गंदा पानी को नदी में गिराना बंद किया है। DBC की कॉलोनी है, CCL, BCL की कॉलोनी है। हम लोग सब में चाहते हैं कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, नदी में गंदा पानी ना जाए। तो उद्देश्य हम लोगों का ही रहता है। इसीलिए एक बार हम लोग अभियान करते हैं, दामोदर महोत्सव मनाते हैं, मकर संक्रांति के दिन सोनरेखा महोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो ये लोग जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक आस्था के रूप में भी, ताकि नदियाँ साफ रहें, नदियों का अस्तित्व बचा रहे। और तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अपना विचार देते रहते हैं। एक बात और हम लोग करना चाहते हैं, जिसको हम लोग अभी तय करेंगे, कि नदी के किनारे कहाँ कहाँ हम लोग कितना पेड़ लगा सकते हैं। सब जगह की बैठकें होंगी, तो उस बैठक में एक हम लोग मुआयना करेंगे। और जब वन महोत्सव शुरू होता है जुलाई में, तो उस समय हम लोग उन स्थानों पर पेड़ लगवाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगवाएंगे, और पेड़ ऐसा लगाएंगे जिसको हम बचा सकें। तो ये हम लोग अपने इस अभियान के बाद जुलाई में ये हम लोग करेंगे। तो ये मोटा मोटी ये आज हम लोगों ने रूपरेखा तय किया है, और इसके बारे में आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सूचित करें। इसमें हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भी उसके पहले बैठक करेंगे, जितने फैक्ट्रियां हैं, जितने नगर नियम हैं, उन सबों के साथ बैठक करेंगे। आपके यहाँ स्थिति क्या है, आप क्या करेंगे, वह करने में आपको साधन संसाधन कितना लगेगा, सरकार की सतर्क आपको देने के लिए तैयार है, सरकार के सामने आपने कोई प्रस्ताव दिया है तो बताइए, ताकि एक जन अभियान के रूप में नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, नदियों के अस्तित्व की रक्षा करना, ये हम लोग करते आ रहे हैं लंबे समय से। तो कोविड के बाद फिर से हम लोग ये मुआयना हम लोग शुरू कर रहे हैं मई और जून के महीने में। और हम लोगों की समझ से एक बड़ा काम है, और इस बड़े काम में समाज लगे, संस्थाएं लगें, स्कूल कॉलेज लगें, ये सब लगें अपने हद तक। और अब हम लोगों की टीम ऐसी हो गई है दामोदर सोनरेखा में कि कहीं कोई फैक्ट्री गंदा पानी गिराती है तो लोग वहां से हम लोगों को खबर कर देते हैं। जब वो खबर करते हैं तो यहां सरकार से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उसको रोकवाना, ये काम करना, इसके लिए हम लोगों की टीम यहां से काम करती है। तो नदियों को साफ कर रखने के बारे में अपनी भूमिका हम लोगों ने इसी संक्षिप्त रूप में तय किया है कि नदी को गंदा करने वालों को नदी गंदा करने से हम रोकें। बस इतना ही है। शहरों में अतिक्रमण भी नदियों का हो रहा है, ये भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ों पर हम लोग चाहते हैं कि जनता में भी जागृति हो, और फिर से हम लोग ये अभियान शुरू कर रहे हैं। इसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी, कोई हैंडआउट बना होगा तो हम लोग उसको आपको अभी भेज देंगे, आपके मेल पर चला जाएगा। इतनी बात कहनी थी, आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। नहीं, होने के लिए कोई रोक नहीं है, मगर एक ही आग्रह रहता है
कि वो बातें थोड़ा चटपटा रहती हैं, इसलिए प्रमुखता उनका हो जाती है। ये अगर मार नहीं खाए, हम लोग इस अभियान की बातें हैं, हाँ इसीलिए हम कर रहे हैं। ये अभियान मार की का जो समाचार है उसको यथा स्थान अगर आप लोग उसको करेंगे तो बाकी तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी पूछने के लिए। अभी अभी जो स्टेट में जो सब चल रहा है अभी, उसमें बहुत प्रमुखता से मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं और वो मामला चुनाव आयोग में भी है, कोर्ट में भी है जी। आपने पहले सर दो मुख्यमंत्री जेल भेजे, तीसरे के लिए आप कहते रहे कि तीसरे की भी नंबर है, अभी मुख्यमंत्री के ऊपर ये इतना गंभीर आरोप लग रहा है, इस पे आपका कोई क्लियर देखिए मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं आपने भी देखा उन आरोप को, जो पब्लिक डोमेन में है, हाँ जो पब्लिक डोमेन में है सभी ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है उसको। मगर मेरी समझ से ये जो आरोप अभी हैं इनके राजनीतिक पहलू को छोड़ दीजिए, आप इनके मेरिट पर जाइए, तो ये मुझे प्याला में तूफान की तरह लगते हैं। जो भी दो आरोप लगे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक अपने नाम से माइंस ले दिया और दूसरा ये लग रहा है कि उन्होंने और भी कहीं कहीं जगह निवेश किया है, ये चीज़ें हैं, पत्नी को जमीन दिलवाया, जमीन दिलवाया है, ये बातें हम कर रहे हैं। तो ये सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जो नियम हैं या चुनाव आयोग के जो नियम हैं वो इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और अखबारों में काफ़ी चर्चा भी हो गई। इन नियमों के परिधि में जांच हो जाए, जांच होने के बाद मुख्यमंत्री दोषी हैं और कार्रवाई हो जाए, नहीं तो एक तो होता है ना कि आपराधिक कोण इसका क्या है, क्रिमिनल एंगल इसमें क्या है, दूसरा है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट भारत सरकार ने तय किया है, सूचना किया है कि आपको ये नहीं करना है, तो वह कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों पर कितना लागू होता है, भारत सरकार ने उसको तय करने के पहले राज्यों को कितना विश्वास में लिया है, इनसे कोई उन्होंने चर्चा की है कि नहीं की है। जो कोड होता है, कोड एक तरह से एक निर्देश है, अब कोड का पालन हम नहीं करेंगे तो हम दंडित होंगे ऐसा नहीं है उसके बारे में। तो ये विषय उठे हैं और महत्वपूर्ण लोगों ने उठाया इस विषय को, मगर मेरा ही कहना है, मेरी जो धारणा इस बारे में बन रही है कि सरकार है, विपक्ष है, पहले सरकार थी, पहले विपक्ष था, ये सब लोग एक दूसरे के खिलाफ पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी आरोप लगा रहे हैं, मगर इन आरोपों पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई पड़ती। इसी संदर्भ में अगर आपको अप्रासंगिक नहीं लगेगा तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा उठाए गए दो मामले एसीबी के जांच के दायरे में हैं। एक जो मेनहार्ट घोटाला के नाम से प्रसिद्ध था, उसमें मेरी जो सूचना थी कि साल भर से अधिक समय से जांच हो रही है और जांच अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दिया, तो साहब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह से एक और मैंने मामला उठाया था जो टॉफी टी शर्ट सुनिधि चौहान के प्रोग्राम के बारे था, उसमें से भी जांच हो गई। एक हफ्ता पहले जो जाँचकर्ता थे उन्होंने आके मेरा बयान ले लिया और मैंने दोनों पर अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं और मैं समझता हूं कि जांच के दायरे में 90% जो मामले आएंगे वो सब पुस्तकों में हैं। तो अगर अभी की वर्तमान सरकार इसको निपटाने का प्रयास नहीं करती है और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल होता है कि साहब मेनहार्ट घोटाला है तो ये घोटाला है, तो जो मोमेंटम झारखंड का घोटाला है, सरकार की तरफ से ये बात रखी जाती है तो सरकार में बैठे लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कुछ है तो इसके पहले भी जो सरकार थी कई अखबार में फ्रंट पेज पर पूरा का पूरा पेज निकलता था, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उस समय की सरकार ने भी कुछ किया नहीं। तो ये बातें केवल अखबारों में बोलने के की सीमा तक ही रह जाएंगी या इन पर कोई कार्रवाई होगी? अगर मुख्यमंत्री दोषी हैं, केंद्र की परिधि में है, राज्य की परिधि में है, कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मामले उठाए गए हैं जिसमें जांच हो गई है, दोष साबित हो गया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम कोई आरोप लगाते हैं तो जैसे कहावत है कि शीशा के घर में रहने वाले को दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्या तो हम देखते हैं कि शीशा के घर में रहने वाले ही एक दूसरे पर पत्थर प्रूफ शीशा हो गया उनका,
वो ये मार्के की बात इसमें मेरे नज़रिए से यही है कि ये खूब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वहीं तक रह जाते हैं। न उस सरकार ने अपने समय में जांच करे कार्रवाई की, नई सरकार ने अपने समय में जांच करने के बाद जो नतीजे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो इस तरह की राजनीति चलेगी तो ये हमारे आपके बीच में चर्चा का रुचि का विषय बन के रह जाएगा, लोग कयास लगाते रहेंगे। इसलिए मैं आपके बीच में ये विषय नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो मामले उठाए हैं, दो मामले में एसीबी की जांच होगी, सरकार त्वरित कार्रवाई इसमें नहीं करेगी तो मैं अपने तरह से मैं इसमें जो मेरे मुझसे संभव है मैं कार्रवाई करूँगा, क्योंकि विधानसभा में इस सरकार के मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, दोनों ने आश्वस्त किया कि दो महीना के भीतर हम कार्रवाई करेंगे। वो एक ही महीना कह रहे थे, हमने कहा कि एक महीना कम समय होगा आपके लिए, आप दो महीना ले लीजिए। 21 मार्च की ये बात है विधानसभा के सत्र, 21 मार्च के बाद एक महीना बीत गया, एक महीना के बाद एक सप्ताह भी बीत गया। अब देखना है कि 21 मई तक या 21 मई के पहले वो कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करना का मतलब कि उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके बारे में FIR दर्ज करिए, और नहीं दोषी पाते हैं तो कहिए कि भाई क्लीन चिट दे रहे हैं, उसके पहले तक ये करें। नहीं करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन खुला रहेगा कि मैं न्यायालय में जाऊं, मैं इस सरकार के बारे में जनता को बताऊं कि भाई ये साफ बातें हैं, ये केवल भाषण करते हैं, अखबार में बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। तो जो लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ में भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं उनको एक बार अपनी अंदरूनी कमेटी बना के अपनी सरकारों में जो हुआ उसका भी तो लेखा जोखा लेना चाहिए। यूनियन की ओर से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री हैं तो क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या भगवान नहीं, नहीं ठीक है ये उनका नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ बिजनेस नहीं करना चाहिए। कायदे से रहा है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो पहले अगर किसी बिजनेस वाली कंपनी में डायरेक्टर भी है तो उसे इस्तीफा कर देता है, इतना करना चाहिए था। मगर इसके बारे में कोई नियम कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री एक बिजनेस करता है तो उस पर कार्रवाई क्या होगी, ये हितों का टकराव कह सकते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि भाई साहब हम सरकार में भी हैं और हम ऐसा भी काम कर रहे हैं जिसे सरकार का फायदा दिलवा दें, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना क्लैश है इंटरेस्ट का, इतना ही है। इसके बारे में कहीं किसी कोर्ट में, किसी नियम में, किसी कानून में सजा का प्रावधान नहीं। इसलिए इस नाते अगर वही कहना चाहते हैं तो उनकी बात पर जनता भरोसा नहीं करेगी। कायदे से जब हम सरकार में आ गए तो कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, स्पष्ट कानून बनना चाहिए, चुनाव आयोग को भी स्पष्ट प्रावधान बनाने चाहिए इसके बारे में। इस सीमा तक ठीक है, दिस फार एंड नो फर्दर, ये तो होना चाहिए ना कि इतना हम करें इसके बाद आप करेंगे तो साहब। अब राज्यपाल के पास चुनाव आयोग का सुझाव क्या आता है, उस पर वो कार्रवाई क्या करते हैं, अगर वो कार्रवाई करते हैं कि मुख्यमंत्री को दंडित करना है, कि व्यवस्था ख़त्म करनी है, तो मामला राजनीतिक होगा। इसके बाद कोई वैकल्पिक योजना इनकी है कि नहीं है कि हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तो ये सब लोग तय कर रहे होंगे। मगर जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं तो थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि साहब हम दूसरे पर तो आरोप लगा दे रहे हैं मगर हमारे अपने लोगों के बारे में जो आरोप हैं, कमेटी बना के हम कम से कम छानबीन करके उस तो कह दें कि साहब ये तथ्यहीन है, ये बेकार है, ये नहीं। तब लगाने वाला आरोप न्यायालय में जाएगा, कहीं जाएगा और जाएगा। इसलिए मेरे दो मुकदमे इसमें प्रासंगिक, दो विषय प्रासंगिक हैं, ये सत्ता पक्ष दोनों और विपक्ष दोनों के लिए कसौटी मैं मानता हूँ। इस बारे में सत्ता पक्ष कार्रवाई करे और विपक्ष भी ये देखे कि अगर हमारे किसी लोगों पर आरोप तथ्य के साथ लगा है तो हम उस व्यक्ति की भूमिका हम अपने यहाँ क्या तय करें, उसके बारे में हम क्या तय करें। ये नहीं तय होगी तो मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया और आरोप लगा कि हम अपनी बातें कर रहे हैं और JMM के लोग अपनी बातें कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए इसमें हमने निर्णय पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का भी, कोई जगह कोई स्पष्ट नहीं है इसके बारे में।
कोई स्पष्टता नहीं। माइनिंग लीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट भी तो शायद क्लियर है सर, माइनिंग बोर्ड के जो जज, माइनिंग लीज के बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। जो कोड है उसमें माइनिंग लीज का लीज लिखा हुआ है, कोड में लीज लिखा हुआ है, मगर इसमें यह भी बात आएगी नहीं, कोई व्यक्ति अगर अपने चुनाव के समय नॉमिनेशन दाखिल करता है उसमें बताता है कि साहब हमारा एक ऐसा मामला है जो जिसमें लीज प्रक्रियाधीन है, उसके बाद अगर लीज में सरकार नहीं रहती तो विपक्ष के नेता के रूप में लीज व्यक्ति सरकार आ गया, वो लीज है तो सरकार के रूप में है। अच्छा, ये लीज कोई बहुत बड़ी नहीं, 80 डिसमिल की लीज, कायदे से असावधानी हुई हो, ध्यान में नहीं रहा हो, मगर ये नहीं करना चाहिए था। कई बार वो चीज़ें पहली बार होती हैं, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कानून में है, आप जैसे माइनिंग लीज ले रहे हैं, वो दोनों डिपार्टमेंट माइंस और एनवायरनमेंट आपके पास है, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का है, मगर आप देखिए आप जाएंगे उसके मेरिट में तो लीज को लेने में कोई इनके शक्ति का दुरुपयोग हुआ है या अपने प्रभाव का इन्होंने दुरुपयोग किया है कि नहीं, वहाँ भी देखना पड़ेगा। सर अगर उनके नाम के एप्लीकेशन आ रहा है तो डीसी और नीचे माइनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को नहीं, अब यही हम लोगों के सिस्टम में गड़बड़ी हो गया। हम सिस्टम पर अगर जाएंगे तो इनको सही तथ्य फाइल में लिखना चाहिए था, डीसी हैं या माइनिंग अफसर हैं, उनको तथ्य से अवगत कराना चाहिए था, उसके बाद मुख्यमंत्री उसको वरूल कर देते तो होती कि भाई मुख्यमंत्री ने अपने सत्ता का पावर का दुरुपयोग किया है, इन्होंने क्या लिखा है उसमें, इसलिए छानबीन हो जाए, जाँच हो जाए। एक चुनाव आयोग की का ओपिनियन भी आने वाला है जी, अब उच्च स्तरीय इससे जांच क्या होगी कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मांगा है ओपिनियन, चुनाव आयोग ओपिनियन देता है तो राज्यपाल स्वतंत्र है कोई कार्रवाई करने के लिए, उस कार्रवाई पर दो विचार तीन विचार हो सकते हैं, आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं, मगर राज्यपाल अब तो यही है कि मामला आ जाए, राज्यपाल क्या करते हैं, इंक्वायरी तो हो रही है, इसमें इंक्वायरी तो हो रही है ना, इंक्वायरी तो हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो स्टेटमेंट डाला था, क्लीन चिट देता हुआ, जिसको भी बोला कि